ये है कमल विलास पैलेस का भव्य बैठक, जहां सियासत काल की कई अद्वितीय एवं अद्भुत चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं विनायक सिंह। इस वक्त मैं कमल विलास पैलेस में हूं और आज मैं आपको बताऊंगा कि खैरागढ़ का शाही दशहरा कैसे मनाया जाता है। नगर भ्रमण में निकलने से पहले कमल विलास पैलेस में भेंट एवं आरती का कार्यक्रम होता है, जिसमें रानी एवं अन्य परिवार के सदस्यों द्वारा राजा एवं युवराज की आरती की जाती है और उन्हें शुभकामनाएँ स्वरूप मीठी दही खिलाई जाती है। इसके पश्चात राजा महल में पहुँचे नगरवासियों से भेंट करते हुए दुर्गा चौक स्थित प्रतिमा के दर्शन के लिए रवाना हो जाते हैं। दुर्गा चौक स्थित पंडाल में आशीर्वाद एवं प्रसाद ग्रहण करते राजा एवं युवराज। इसके पश्चात नगर भ्रमण का कार्यक्रम आरंभ होता है। शहर भ्रमण के दौरान नगरवासियों द्वारा राजा से भेंट एवं तिलक की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। शाही दशहरा का लुत्फ उठाने एवं राजा के दर्शन करने आसपास के गांव से भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं एवं पूरे आयोजन का लुत्फ उठाते हैं। Thank you.
के पश्चात जिस प्रकार भगवान राम की विजय घोषणा हुई थी, ठीक वैसे ही महल लौटने पे राजा की विजय आरती होती है। इस आरती में भी रानी एवं परिवार के अन्य सदस्यों समेत बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहते हैं। राज्यों में और भी खैरागढ़ में ये परंपरा 20 वर्षों से रहना चाहिए।